Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. It is God's grace that we have been gathered again. हम फिर से इकट्ठा हुए हैं, ये परमेश्वर की कृपा है. And through His purpose we are here. और उसकी योजना में हम यहाँ हैं. Amen. Amen. We should praise God. We should shout for with joy. और हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए और आनंद से चिल्लाना चाहिए. For He give us His bread. क्योंकि वो उसकी रोटी हमें खिलाता है. He inspires us. वो हमें प्रेरणा देता है. He give His wisdom. और उसका ज्ञान वो हमें देता है. So we should shout and we should be gracious and thankful. तो हमें चिल्लाना चाहिए और हमें कृपायुक्त और हमें धन्यवाद के स्वभाव के साथ रहना चाहिए. We should thank Him. और उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए. Amen. Amen. As we go for food, we before eating we pray. जैसे हम खाने के लिए जाते हैं तो खाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं. We see the food and we give thank. हम खाना देखते हैं और धन्यवाद करते हैं. By faith we are here. और विश्वास से हम यहाँ हैं. We should prepare ourselves to listen the word of God. परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए. We should thank God for once again He has gathered. फिर से एक बार उसने हमें इकट्ठा किया, उसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए. We should listen His voice so that we can live. और हमें उसका आवाज सुनना चाहिए ताकि हम जी सके. Let's close our eyes and thank God. आइए हमारी आंखें बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें. थैंक जीसस क्राइस्ट. और यीशु मसीह का धन्यवाद करें. फॉर बिकॉज ऑफ हिम वी आर स्टिल इन हिज प्रेजेंस. क्योंकि यीशु मसीह की वजह से अब तक हम उसकी उपस्थिति में हैं. ही केम विद ग्रेस. वो कृपा से आया, कृपा के साथ आया. ही केम टू गिव अस ग्रेस. वो हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आया. ही केम टू गिव अस लाइफ. और वो हमें जीवन देने के लिए आया. He came to forgive our sins. वो हमारे पापों को माफ करने के लिए आया. He came so that we be saved from judgment. वो इसलिए आया कि हम न्याय से बच जाए. He came so that we can receive Holy Spirit. और वो इसलिए आया कि हमें पवित्र आत्मा मिले. And we believe Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं. Spirit of truth, we welcome you. सत्य का आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं. We thank you for all your wisdom and wiseness. हम आपके सारे ज्ञान और बुद्धि के लिए आपका धन्यवाद करते हैं. Holy Spirit, we want that you today speak with us. पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं कि आज हमारे साथ आप बात करो. Give us comfort and give us strength. हमें दिलासा दो और सामर्थ दो. Give us knowledge, Lord, and give us your power. हमें बुद्धि दो प्रभु और आपका सामर्थ हमें दो. Give us your life. और आपका जीवन हमें दो. लीड अस होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा, हमारी अगुवाई करो. इन ऑल योर ट्रुथ एंड इन योर लाइट. आपके सारी सच्चाई में और सारे रोशनी में हमें आप ले जाओ. टॉक टू अस. हमारे साथ बात करो. इफ देयर इज सिन वी आस्क फॉरगिवनेस. यदि कोई पाप है तो हम माफी चाहते हैं. फॉरगिव. हमें माफ करो. फॉरगिव फादर सन एंड होली स्पिरिट. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, हमें माफ करो. इन जीसस नेम वी से सॉरी. यीशु के नाम में हम माफी मांगते हैं. क्राइस्ट वी बिलीव योर ब्लड. मसीह, हम आपके लहू में विश्वास करते हैं. बिकॉज ऑफ योर ब्लड वी आर बीन सेव्ड. आपके लहू की वजह से हम बच गए हैं. गिव अस ग्रेस. हमारे पर अनुग्रह करो. ब्लेस विथ योर वर्ड. आपके वचन से हमें आशीष दो. आमेन. 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 वी कैन शाउट. हम चिल्ला सकते हैं. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. God is good. All the time. परमेश्वर हर समय भला है. Amen. Amen. We are gathered for His grace. हम उसके अनुग्रह की वजह से इकट्ठा हुए हैं. Jesus said, "If my Father will, you can come to me." यीशु ने कहा कि If it is my Father's will. कि यदि ये मेरे पिता की इच्छा हो तो आप मेरे पास आ सकते हो. सो नॉट एवरीवन कैन कम इन मीटिंग. तो इसीलिए हर कोई मीटिंग में, संगत में नहीं आ सकता. इफ देयर इज ग्रेस यू कैन कम इन हिज प्रेजेंस. यदि अनुग्रह है आपके ऊपर तो आप उसकी उपस्थिति में आ सकते हो. यस यू कैन गो इन योर बेड एंड प्रे एंड स्लीप. हाँ, आप आपके बिस्तर पर जाकर प्रार्थना करके सो सकते हो. देयर आर मेनी पीपल दे सून गुड नाइट. भाई, ऐसे बहुत लोग हैं कि जो बहुत ही जल्दी सो जाते हैं. But still we are awake.
लेकिन अब तक हम जागते हुए हैं, जाग रहे हैं, ये It is His grace. ये उसकी कृपा है. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. Days are given by Him. ये जो दिन मिलते हैं वो परमेश्वर हमें देता है. So that we, Lord, want to test us that are we praising him and thanking him for the day. प्रभु हमारी परीक्षा करना चाहता है कि क्या हम उसकी प्रशंसा करते हैं और जो दिन मिलता है उसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं या नहीं. We should thank God every day. हमें परमेश्वर का धन्यवाद हर रोज करना चाहिए. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. I thank you for your welcome. और आपने हमारा स्वागत मेरा स्वागत किया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. And you receive me as pastor, it is grace of God. और आपने मुझे पास्टर पासबान समझ के मेरा स्वीकार किया मान के ये परमेश्वर की कृपा है. You listen the word of God with faith, it is God bless you so. और आप परमेश्वर के वचन विश्वास से सुनते हो ये इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपको ये आशीर्वाद दिया है. इट इज आई विल से गॉड ब्लेस यू. मैं ऐसा कहूंगा कि परमेश्वर आपको आशीष दे. बिकॉज यू रिसीव्ड मी एज पास्टर. क्योंकि आपने मुझे पासबान माना है और पासबान के रूप में स्वीकार किया है. आई डोंट से थैंक यू. मैं धन्यवाद करना नहीं चाहता, धन्यवाद कहना नहीं चाहता. इज गॉड ग्रेस दैट ही गिव यू फेथ सो दैट यू कैन बिलीव. ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने आपको ये मानने के लिए विश्वास का दान दिया, विश्वास करने का मन दिया. सो यू बिलीव मी एज पास्टर. इसीलिए आप मुझे पासबान मानते हो. देयर वाज अ क्वेश्चन ब्रदर आस्क्ड. एक सवाल था भाई ने पूछा. इन मैथ्यू 10:41 It says, Jesus said this thing. मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय और 41वां वचन यीशु ये बात कहते हैं. मत्ती 10 मैथ्यू 10:41 मत्ती 10 उसका 41वां वचन. Jesus said, whoever receive you. यीशु ने कहा जो कोई भी तुम्हारा स्वीकार करता है. Whoever take you in. जो कोई भी तुम्हें ग्रहण करता है, घर में बुलाता है. Who believes you and welcome you. जो आप में विश्वास करता है और आपका स्वागत करता है. Who claim that this is the right person, I believe and I accept. जो ऐसा दावा करता है, मानता है कि ये सही व्यक्ति है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ और ये व्यक्ति का मैं स्वीकार करता हूँ. Jesus said, whosoever welcome you, O my disciples. यीशु ने कहा कि ओ मेरे चेले, जो कोई भी तुम्हारा स्वागत करते हैं, तुम्हें बुलाते हैं. Whosoever believe you as my servant. और आप मेरे सेवक हो, ऐसा जो कोई भी तुम में विश्वास करता है. Surely he or she shall be blessed. और सच में वो पुरुष या वो स्त्री वो उसे आशीर्वाद मिलेगा. सो वॉट इज द ब्लेसिंग, दैट वॉज द क्वेश्चन. तो फिर उसके लिए आशीर्वाद क्या है, क्या था, ये एक सवाल है. वॉट फ्रूट विल ही और सी हु वेलकम्स विल गेट. जो व्यक्ति वो सेवक का स्वागत करता है उसे कौन सा फल मिलेगा. वॉट इज द ब्लेसिंग, वॉट इज द रिवॉर्ड. उसका बदला क्या होगा, उसका आशीर्वाद क्या होगा. इफ यू सर्व एज गॉड सर्वेंट. यदि आप परमेश्वर के सेवक होके सेवकाई करते हो. इफ यू वेलकम हिम और प्रिपेयर फूड. और यदि आप उसका स्वागत करके उसके लिए खाना बनाते हो. इफ यू गिव हिम शेल्टर. और यदि उसे आप आश्रय देते हो. इफ यू वॉश देयर सेंट फीट. और संतों के पांव यदि आप धोते हो. इफ यू एनॉइंट विद ऑयल. और उसे आप यदि तेल से आप अभिषेक करते हो. देयर आर मेनी वेज ऑफ वेलकमिंग. स्वागत करने के ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, रास्ते हैं. Many ways to welcome a person. एक व्यक्ति को अपने घर में स्वागत करने के बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं. Many give garland or give flowers. बहुत लोग ऐसे व्यक्ति को फूलों का हार देते हैं या तो फूल देते हैं. Many they bow down before him. और स्वागत करने के पहले बहुत लोग उसके सामने झुक जाते हैं. Many put them hands together. और बहुत लोग उसके सामने हाथ जोड़कर उसका स्वागत करते हैं. Many welcome by giving him water. और बहुत लोग उसका स्वागत उसे पानी देने के द्वारा करते हैं. There are many type to welcome a guest.
तो इस मेहमान का स्वागत अपने घर में करने के लिए उसके बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं। Jesus said, "You are my disciples." लेकिन यीशु ने कहा कि तुम मेरे चेले हो। And if anyone knows you as a prophet, और यदि कोई तुम्हें भविष्यवक्ता समझ के ऐसा माने, then he will be rewarded because he accept you as prophet. तो फिर उस व्यक्ति को बदला मिलेगा क्योंकि उसने तुम्हें प्रबोधक भविष्यवक्ता मानकर तुम्हारा स्वीकार किया। You are lost disciple. आप प्रभु के चेले हो। If anyone receive you as a disciple of Lord, यदि कोई वो प्रभु का चेला है ऐसा समझ के स्वीकार करता है, Jesus said he will be surely rewarded. तो यीशु ने कहा कि वो व्यक्ति को सच में बदला मिलेगा। He will be paid price for the service. और उसने जो सेवकाई की है उसके बदले में उसे कीमत मिलेगी। He will be blessed and honored by God. और उसे परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद मिलेगा और सम्मान मिलेगा। He will be honored by God giving its grace is as service tax. और परमेश्वर के द्वारा उसे ऐसा सम्मान मिलेगा कि उसे सर्विस टैक्स के रूप में उसके ऊपर कृपा होगी, अनुग्रह होगा। As the person welcome did service, so he will get honor. तो जैसे व्यक्ति कोई व्यक्ति का स्वीकार करता है he और उसकी सेवकाई करता है तो उसे सम्मान मिलेगा, उसे बदला मिलेगा। he get tax for it. और जो सेवकाई वो बजाता है उसके बदले में उसे टैक्स मिलेगा। Reward is fruit. और उसका जो बदला है वो फल है। It is God's service, so God give respect in favor of service. और ये परमेश्वर की सेवकाई है, इसीलिए ऐसी सेवकाई करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से सहायता मिलती है, मदद मिलती Jesus है। said, "Whoever give you honor, यीशु ने कहा कि जो कोई भी तुम्हें मान देता है, whoever receive you will his has received me, जिसने तुम्हारा स्वीकार किया उसने मेरा स्वीकार किया है। If anyone accept you in his home, I'll welcome you. Accept me. यदि किसी ने तुम्हारा स्वीकार किया है और उसके घर में तुम्हें बुलाया है तो उसने मेरा स्वीकार किया है। If he gives honor to a prophet in the name of prophet, यदि वो एक भविष्यवक्ता के नाम में भविष्यवक्ता को आदर देता है, then he or she whosoever welcome will be reward with prophet's reward. तो वो पुरुष या स्त्री जो आवकार का सत्कार करती है उसे भविष्यवक्ता के बदले में बदला दिया जाएगा। As a prophet reward, जैसे कि भविष्यवक्ता का बदला। Amen. Amen. Who honor as a prophet, he will be blessed as he will be given prophet's reward. जो कोई प्रबोधक मान के उसका भविष्यवक्ता मान के उसका स्वीकार करता है तो उसे भविष्यवक्ता का बदला मिलेगा। And Lord said, if anyone welcome you or receive you as a upright man or a just man, और यदि कोई आपका स्वागत आपको धर्मी समझकर करेगा, न्यायी आदमी मानकर करेगा, the person knows that he is Jesus disciple, a righteous person. यदि वो व्यक्ति ऐसा जानेगा कि ये यीशु मसीह का चेला है और धर्मी व्यक्ति है, न्यायी है, इन माय नेम इफ ही रिसीव यू एज अ राइट पर्सन और जस्ट पर्सन, मेरे नाम में यदि वो व्यक्ति तुम्हारा स्वीकार तुम्हें न्यायी समझ के करेगा तो ही विल बी गिवन एज अपराइट मैन्स रिवॉर्ड, तो फिर उसे वो धर्मी व्यक्ति का बदला मिलेगा। लॉर्ड सेड इन 42 वर्स, 42वें वचन में प्रभु ने कहा, I tell all of you with certainty. Surely I say to you, मैं तुमसे सच कहता हूं, whosoever give a cup of cold water, जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, because you are my disciple, you little one, if anyone welcomes you or honors you or receive you, तुम मेरे चेले हो और ये जानकर ये छोटों में से एक को भी यदि कोई तुम्हारा स्वीकार करता है, एंड गिव द थर्स्टी कप ऑफ कोल्ड वाटर, और तुम्हें अगर कटोरा ठंडा पानी का पिलाता है, यू आर थर्स्टी एंड यू आर डिसाइपल ऑफ लॉर्ड, आप अगर प्यासे हो और प्रभु के चेले हो, यू आर इन नीड एंड द सेम नीड इज प्रोवाइडेड, आप वो जरूरत में हो और वही जरूरत आपको दी जाती है। इट डजंट से दैट यू हैव टू गिव देम कोल्ड वाटर,
It is not written that you should every time you should give them cold water in a cold weather. ऐसा नहीं लिखा है कि ठंडे समय में भी सर्दी के समय में भी तुम्हें सबको उनको ठंडा पानी देना चाहिए. I want reward of this disciple. मुझे ये चेले का जो बदला है वो पाना चाहिए, पाना मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा. Jesus said because his disciple, because the person is my disciple. यीशु ने कहा कि इसी वजह से क्योंकि वो व्यक्ति मेरा चेला है. The person will never lose his reward. तो वो व्यक्ति को उसका प्रतिफल, वो अपना प्रतिफल कभी भी ना खोएगा. So what is the reward of prophet and reward of upright man and what is the reward of a disciple? तो फिर जो भविष्यवक्ता का प्रतिफल क्या है और धर्मी व्यक्ति का प्रतिफल क्या है और चेले का प्रतिफल बदला क्या है? Anyone welcome you as Jesus follower? यदि कोई आपका स्वागत आप यीशु के चेले हो ऐसा समझ कर करता है, He will be blessed. Surely this is the promise. तो उसे आशीर्वाद सच में मिलेगा, ये एक वचन दिया गया. God will bless him for that duty. और उसने जो सेवकाई की उसकी वजह से परमेश्वर उसे आशीर्वादित करेगा. More thing is the person belongs to Christ, so God bless the person. और उससे अधिक बात यह है कि वो व्यक्ति मसीह का है, इसीलिए उसे आशीर्वाद मिलेगा. इफ एनीवन इनवाइट एनीवन डजंट गेट एनीथिंग. यदि कोई व्यक्ति कोई भी व्यक्ति को अगर घर में बुला ले तो उससे कोई बदला नहीं मिलता. बट इफ ही वेलकम हिम एज अ गॉड और क्राइस्ट डिसाइपल. लेकिन यदि वो व्यक्ति को परमेश्वर का या यीशु का चेला समझकर उसका स्वीकार करे तो बिकॉज ऑफ क्राइस्ट इज द मास्टर ऑफ दिस पर्सन, a chosen person, so surely God bless him. क्योंकि ये जो पसंद किया हुआ व्यक्ति है उसका मालिक मसीहा है, इसीलिए परमेश्वर उस व्यक्ति को आशीर्वाद देगा. Many time we are not sure that he is really disciple of Christ. बहुत बार हमें ये निश्चित नहीं होता है कि हम जिसको बुलाते हैं वो सच में यीशु का चेला है या नहीं. So we don't get any reward. इसीलिए हमें कोई बदला नहीं मिलता. We don't invite as real pastor. और वो सच्चा पासबान है ऐसा समझ के हम उसका स्वागत नहीं करते. We just take it lightly. हम उसे एक साधारण व्यक्ति समझ कर ले लेते हैं. There are many prophets, so this is also one of the prophet. बहुत सारे भविष्यवक्ता है, उनमें से ये भी एक जैसा है. But we don't know really. लेकिन इज अ ट्रू प्रोफेट और नॉट. लेकिन सच में वो सच्चा भविष्यवक्ता है या नहीं वो हम नहीं जानते. Jesus said, anyone welcomes. यीशु ने कहा यदि कोई स्वागत करता है. Anyone receive him. यदि कोई उसको स्वीकारता है पाता है. When anyone receive. कोई क्यों कब उसका स्वीकार करता है. When he believes. जब वो अगर उसमें विश्वास करे तो. If he trust his God's servant. यदि वो उसके परमेश्वर के सेवक में विश्वास करे तो then surely he would be rewarded because of his faith. तो फिर उस व्यक्ति को उसके वो विश्वास के बदले में उसे बदला मिलेगा. His faith is true. उसका विश्वास सच्चा है. So he get that reward blessing. इसीलिए वो जो आशीर्वाद का बदला लिखा गया है वो उसे मिलता है. इफ यू सर्व एनीवन गॉड कांट रिवॉर्ड और ब्लेस. इफ यू सर्व एनीवन. यदि आप किसी की भी सेवा कर लो तो परमेश्वर आपको कोई बदला नहीं देगा या आशीर्वाद नहीं देगा. क्राइस्ट प्रॉमिस श्योरली ही शैल इन नो वाइज लूज हिज रिवॉर्ड. दिस इज मसीहा सेड. यीशु ने यह वचन दिया कि सच में वो अपना बदला न खोएगा. Then you will never lose your reward for your welcome. तो आपने जो स्वागत किया है उसके बदले में तुम्हारा बदला कभी भी खो ना दोगे, वो तुम्हें मिलेगा. Because you served him as a real disciple and real prophet, a real right man. क्योंकि आपने उस व्यक्ति का सेवकाई ऐसा मानकर की कि वो एक सच्चा भविष्यवक्ता है और एक सच्चा धर्मी पुरुष है और सच्चा भला चेला है, इसीलिए real disciple. वो एक भला सच्चा चेला है ऐसा मान के आपने स्वीकार किया. He is disciple of God, Christ. वो मसीह का चेला है. Not just surname Christian. केवल वो अटक होती है क्रिश्चियन, वो नहीं. He is really disciple of Christ. वो सच में यीशु मसीह का चेला है. We don't take this thing like that. ये बातें इस तरह से है ऐसा हम कभी भी नहीं स्वीकारते, नहीं लेते हैं. इफ यू अंडरस्टैंड एंड डू इट.
यदि हम ऐसा समझे और फिर करें, then we will never lose our reward. तो फिर हम हमारे बदले को कभी भी ना खोएंगे. No way he will be forgotten. और कोई भी रीति से उसे भूला नहीं जाएगा. But God will surely reward him a time. लेकिन वो समय पर परमेश्वर उसे सच में बदला देगा. Three things Lord said. Welcoming prophet, welcoming righteous just person, and welcoming disciple. यीशु ने तीन बातें कही. भविष्यवक्ता का स्वीकार करना, धर्मी व्यक्ति का स्वीकार करना और चेले का स्वीकार करना. In Hebrews 6:10 का स्वागत करना. इब्रानियों की पत्री 6:10 कहता है, What service you are doing, continue in it. आप जो सेवकाई कर रहे हो उसमें आप निरंतर बने रहो. For God don't forget your all service. क्योंकि परमेश्वर आपके सारी सेवकाई को भूलता नहीं है. Remember all who prophesies are not, who prophesy are not prophets. ये याद रखो कि हर कोई जो भविष्य वचन बोलता है वो भविष्य वक्ता नहीं होता है. Hebrews 13:1 इब्रानियों की पत्री 13:1 कंटिन्यू टू लव इच अदर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. भाईचारे की प्रीति में बने रहो जैसे एक दूसरे भाई बहन है उस तरह प्रेम में बने रहो. स्टॉप निग्लेक्टिंग टू शो हॉस्पिटैलिटी टू स्ट्रेंजर्स. और अजनबियों को पहनाई करना ना भूलना. डोंट स्टॉप योर सर्विस. आपकी जो सेवकाई है उसे रोक मत देना. सो हॉस्पिटैलिटी. और आप जो पहुनाई दिखाओ मेहमान गति दिखाओ. फॉर सम हैव निग्लेक्टेड एंजल्स. क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है. दे डोंट नो दैट हु रियली वी सर्व्ड. वो ये नहीं जानते कि सच में हम किसकी सेवकाई कर रहे हैं. Whom we welcomed and gave them water. किसको हमने स्वागत किया और हमने पानी किसको दिया. They many people are unaware that angel came and we served. बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि देवदूत आए थे और हमने उनकी सेवकाई की. वो नहीं जानते हैं. If they would be sure. यदि वो बात से वो उनको निश्चितता होती. Then they would say, please don't go away or leave without blessing. तो फिर वो लोग उन्हें कहते कि मुझे आशीर्वाद दिए बिना यहाँ से मत जाओ. Because the person knows that this is angel. क्योंकि वो व्यक्ति ये जानता है कि ये तो देवदूत है. So many are unaware and welcoming people. तो बहुत लोग इसी तरह अनजाने में लोगों का स्वागत करते हैं. And so hospitality. और उनकी मेहमान गति करते हैं. Behaving as strangers, they take them as strangers. वो लोग उन मेहमानों को अजनबी समझ के उनका स्वीकार कर लेते हैं. It is good to welcome all. और ये अच्छी बात है कि सबका स्वागत करना, सबको बुलाना. But to find out who is prophet and who are right person and whom we are serving are disciples. लेकिन कौन भविष्यवक्ता है, कौन धर्मी व्यक्ति है और कौन यीशु का चेला है, ये ढूंढ निकालना. It is important. वो भी एक जरूरी बात है. So that we can claim that Lord you said who serve will not lose his reward. कि इसीलिए कि हमें दावा कर सके कि प्रभु तुमने ऐसा कहा था कि जो तुम सेवकाई करोगे वो उसका प्रतिफल खोएगा नहीं. 1 Corinthians 15:58 पॉल सेड, माय ब्रदर्स. पहला कुरंथी 15:98 बी स्टैंड फास्ट और स्टैंड फ्रेम. तुम स्थिर बने रहो. बी इनमूवेबल और अनमूवेबल. हम निरंतर स्थिर बने रहो. बी ऑलवेज आउटस्टैंडिंग इन द वे इन द वर्क ऑफ द लॉर्ड. और हमेशा दृढ़ और अट प्रभु के मकाम में सर्वदा बढ़ते जाओ. कंटिन्यू विदाउट फेल वर्क इन लॉर्ड. और निष्फल हुए बिना प्रभु में काम करते रहो. डू जॉब इन क्राइस्ट. मसीह में नौकरी करो, काम करो. सर्व वन अनदर. एक दूसरों की सेवकाई करो. कीप ऑन डूइंग इट. और वो आप करते रहो. बिकॉज यू ओ करंट पीपल यू नो. क्योंकि वो करंथ के लोग तुम ये जानते हो. योर लेबर, योर हार्ड वर्क,
तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारी कठिन मेहनत, योर सर्विस एंड योर हॉस्पिटलिटी, तुमने जो सेवकाई की और मेहमान गति की, वो इज नॉट इन वेन इन द लॉर्ड, वो प्रभु में व्यर्थ नहीं है. बट वी डोंट नो वॉट रिवॉर्ड वी विल गेट, सो वी डोंट वर्क. लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमें कौन सा बदला मिलेगा, और इसीलिए हम काम नहीं करते. वी डोंट नो वॉट इज गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी एंड हु इज प्रोफेट. और हम ये भी नहीं जानते कि भविष्य वचन का दान क्या है और भविष्य वक्ता क्या है. वी थिंक दैट हु प्रोफेसाई आर प्रोफेट. हम ऐसा सोचते हैं कि जो भविष्य वचन बोलता है, भविष्यवाणी करता है, वो भविष्य वक्ता होता है. हु टेल्स अबाउट अवर पास्ट एंड प्रेजेंट एंड अबाउट अवर हाउस. जो हमारे भूतकाल के बारे में, हमारे वर्तमान के बारे में और हमारे घर के बारे में जो कहता है. हु टॉक अबाउट अवर जॉब एंड स्ट्रगल. जो हमारी नौकरी के बारे में और हम जितनी परेशानियां उठा रहे हैं उसके बारे में बात करता है. वी थिंक दैट अ प्रोफेट नोज अवर नेम. तो और हम ऐसा सोचते हैं कि एक भविष्य वक्ता हमारा नाम भी जानता है. He calls by name. वो नाम से पुकारता है. And also he knows color of our house and our cloth. और वो हमारे कपड़ों का और घर का रंग भी जानता है. He knows our life. और वो हमारे जीवन को जानता है. So we call them as a prophet. और इसीलिए हम ऐसे लोगों को भविष्य वक्ता कहते हैं, नबी कहते हैं. Even those spirit who are been with you from birth knows you very well. और जो आत्माएं आपके साथ आपके जन्म से रहती है, वो आत्माएं भी आपको अच्छी तरह से जानती है. A spiritual person can speak. एक आत्मिक व्यक्ति बोल सकता है. Through Holy Spirit or through Satan spirit. वो पवित्र आत्मा से या तो शैतान के आत्मा से भी बोल सकता है. God can reveal your past, present. परमेश्वर आपका भूतकाल और आपका वर्तमान काल को बता सकता है. And Satan also can reveal your past and your present. और शैतान भी आपके भूतकाल को और वर्तमान काल को बता सकता है. But we are so surprised and we call them prophet. लेकिन हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और ऐसे लोगों को हम प्रबोधक कहते हैं, भविष्यवक्ता कहते हैं. Bible says John the Baptist was prophet. बाइबल कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो नबी था, भविष्यवक्ता था. He never said this thing today what we are listening. आज जो हम सुन रहे हैं ऐसी कोई भी बात यूहन्ना ने नहीं की थी. प्रोफेट इज एन ऑफिस. जो भविष्यवक्ता है वो एक ऑफिस है, सेवकाई है. इट इज अ सर्विस. वो एक सेवकाई है. एंड प्रोफेसी इज अ गिफ्ट. और जो भविष्य वचन बोलना होता है वो एक दान है. इट कम्स एट टाइम. वो समय पर आता है. एंड प्रोफेट आर चोजन. और प्रबोधकों को, नबियों को चुना हुआ होता है. दे आर सेंड बाय गॉड. उन्हें परमेश्वर भेजता है. नॉट टू टॉक अबाउट योर प्रेजेंट एंड एक्टिवा एंड ऑल योर व्हीकल्स. अबाउट टॉकिंग अबाउट व्हीकल्स. वो आपके वर्तमान काल के बारे में या आपके वाहनों के बारे में बताने के लिए उसे नहीं भेजा गया होता. I just saw a video of a prophet. आज मैंने एक भविष्य वक्ता का वीडियो देखा. The people who call them prophet. ऐसे लोग जो अपने आप को प्रबोधक कहते हैं, नबी कहते हैं. They just close eyes and said, I am seeing a white activa. वो अपनी आंखें बंद करते हैं और कहते हैं कि मैं एक व्हाइट कलर की एक्टिवा देख रहा हूँ. Whose activa is that? वो एक्टिवा. He asked this prophet asked whose activa is that? और ये प्रबोधक पूछता है कि वो एक्टिवा किसकी है. Oh, God is talking to me. There is a name Sonu. Sonu. Who is Sonu? Oh, परमेश्वर मेरे साथ बात कर रहा है कि कोई सोनू नाम का व्यक्ति है और वो सोनू कौन है. Who is Sonu? Sonu कौन है? Okay, I am saying you sit on a chair, rolling chair. और मैं ऐसा देख रहा हूँ कि तुम वो सोनू नाम का व्यक्ति वो हिलने वाली चेयर कुर्सी में बैठा हुआ है. यू सिट. तो तुम बैठ रहे हो. हु इज सिटिंग ऑन दैट बॉस चेयर. वो बॉस की कुर्सी होती है उसमें कौन बैठा है. अच्छा, मैं कुछ देख रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर चिंता है. नाउ व्हेन गॉड सेंड अ प्रोफेट. और अब जब परमेश्वर कोई भविष्यवक्ता को भेजता है. He talk about your sin.
तो वो आपके पापों के बारे में बात करता है। He talk about your living life. और वो आपका जो जीवन आप जी रहे हो उसके बारे में बात करता है। What mistake you did? और आपने कौन सी गलतियां की? If you are praying, Lord, what is my mistake? प्रभु मेरी गलती क्या है? Then God send a prophet at your door. तो फिर परमेश्वर भविष्यवक्ता को आपके दरवाजे पे भेजेगा। So that he can correct you. इसीलिए कि वो भविष्यवक्ता आपको सुधार सके। God send prophet where there is need. जहां पर जरूरत होती है वहां पर परमेश्वर भविष्यवक्ता को भेजता है। Today we are so miserable. आज हम बहुत ही कंगाल हो गए हैं। We are so misunderstood. We are so misunderstanding in misunderstanding. We are living. और हम बहुत सारी गलत फहमियों में हम जी रहे हैं. Why God don't send prophet? परमेश्वर नबियों को क्यों नहीं भेजता? Why God don't send prophet in church? परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को कलीसिया में क्यों नहीं भेजता? You know? आप जानते हो? Because we say, I know my sin. Don't come and talk. क्योंकि हम ऐसा कहते हैं कि मैं मेरा पाप जानता हूं, तुम मत आना और मुझे मत कहना। I don't want to listen you. मैं तुम्हें सुनना नहीं चाहता। I know myself. मैं अपने आप जानता हूं। What to do? I don't want to listen. और क्या करना चाहिए वो मैं सुनना नहीं चाहता। You don't advise me. तू मुझे सलाह मत देना। God don't send anyone to advise me. परमेश्वर तू मुझे सलाह देने के लिए किसी को मत भेजना। I have spirit who gives me understanding. मेरे पास आत्मा है जो मुझे समझ देता है। Yes, Holy Spirit is there. हाँ, पवित्र आत्मा है। He who convinces our sin, जो हमारे पापों को हमें दिखाता है और who confirm what sin we did, और हमने कौन सा पाप किया है वो दिखाता है। He gives us wisdom, वो हमें ज्ञान देता है। So we don't need any mouthpiece, तो फिर हमें वो मुंह से बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं चाहिए। We understand what we did. हमने क्या किया है वो हम समझ जाते हैं। Our fault we know very well. हमारी गलतियां हम अच्छी तरह से जानते हैं। Only God send, where he send? I'm asking. मैं पूछ रहा हूँ कि परमेश्वर कहाँ पे भविष्यवक्ता को भेजता है? God send prophet to open eyes of people. परमेश्वर आर इनोसेंट, जो परमेश्वर जो लोग निर्दोष होते हैं, भोले होते हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए भविष्यवक्ता को भेजता है। Where apostle Peter went? प्रेषित पत्रस कहां पर गया? Where there was humble person, innocent person, Cornelius lived. जहां पर Cornelius नाम का जो नम्र व्यक्ति रहता था वहां पर वो गया। He was a just person, but he don't know about salvation. वो एक धर्मी व्यक्ति था, न्यायी था, लेकिन वो उद्धार के बारे में नहीं जानता था। Where evangelist Peter, Philip was sent? और सुवार्तिक फिलिप को कहां भेजा गया था? Where humble person was reading Isaiah book. जहां पर एक नम्र व्यक्ति यशा की किताब पढ़ रहा था वहां। Where did Nathan prophet went? और नाथान भविष्यवक्ता कहां गया? Where David did a mistake and he was praying. जहां पर दाऊद ने गलती की और वो दाऊद प्रार्थना कर रहा था वहां। God said in Old Testament. God sent many prophets in Old Testament. परमेश्वर ने पुराने नियम में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को भेजा। Where people were innocent. जहां पर लोग भोले थे, निर्दोष थे। They don't know what we sin. वो ये भी नहीं जानते थे कि हमने कौन सा पाप किया है। Where Jonah was sent. यूना को कहां पर भेजा गया था? There were 120 lakh people, innocent people. जहां पर 120 निर्दोष लोग रहते थे वहां भेजा गया। You know your sin very well. No need of prophet. आप आपके पापों को अच्छी तरह से जानते हो, आपको कोई भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं। Before I did prophesy. पहले मैं भविष्य वचन बोलता था। Where people were not knowing what mistake they did. जहां पर लोगों को ये पता नहीं होता था कि उन्होंने कौन सी गलती की, वहां पर मैं बोलता था। People want a guide. जहां पर लोगों को आगे चलने के लिए कोई आगेवान चाहिए वहां पर। There God sent prophet. वहां पर परमेश्वर भविष्यवक्ता भेजता है। हेलो, सुनो। Israel was in bondage. इज़राइल बंधन में था।
A big prophet Moses was sent. और एक बड़ा भविष्यवक्ता मूसा को भेजा गया. Where he can draw all people from that slavery. जहां पर वो मूसा वो सारे लोगों को गुलामी से छुड़ाकर आगे ले जाए. Today people don't want to come out from their sin. आज लोग अपने पापों से बाहर निकलना नहीं चाहते. They don't want advice. और उनको कोई सलाह नहीं चाहिए. They don't want to come out from wrong churches. और गलत कलीसियाओं में से वो लोग बाहर आना नहीं चाहते. Even if anyone speak, they will kick them. यदि कोई अगर बोले उनके सामने तो उनको भी वो लात मार देते हैं. Where people are searching, their prophet will go. जहां पर लोग ढूंढ रहे होते हैं वहां पर भविष्यवक्ता जाता है. So that he can make them walk. इसीलिए कि वो भविष्यवक्ता वो लोगों को चला सके. John the Baptist came. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया. Where people didn't know what to do. जहां पर लोग ये नहीं जानते थे कि क्या किया जाए. So they asked John, what should we do? इसीलिए वो लोग यूहन्ना के पास जाकर पूछते थे कि यूहन्ना हमको क्या करना चाहिए. But today we go home to and say, you know what should you do? लेकिन आज हम लोगों के घर में जाकर पूछते हैं क्या तुम जानते हो. We advise them. क्या तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए. हम उनको सलाह देते हैं. We need advice. हमें सलाह की जरूरत है. We need God sent prophet. और हमें जरूरत है कि परमेश्वर कोई भविष्यवक्ता हमारे पास भेजे. Christ give prophet to church. मसीह ने कलीसिया में भविष्यवक्ता दिए. In Ephesians 4:10 verse we read. 12 verse we read. एफेसियों की पत्री चौथा अध्याय और 12वां वचन हम पढ़ते हैं. Christ give gift to church. मसीहा कलीसिया में दान देता है. In 11 we read gave some apostles, prophets, evangelists. 11वें वचन में हम पढ़ते हैं कि उसने कुछ प्रेषित दिए, कुछ भविष्यवक्ता दिए और कुछ सुवार्तिक दिए, सुसमाचार सुनाने वाले दिए. Praise God. परमेश्वर की महिमा. Why he gave? उसने क्यों दिया? So that he can tell us which activa we are. इसीलिए कि वो लोग हमें ये बताए कि हम कौन सा एक्टिवा चला रहे हैं, वो कहने के लिए दिया. It is good to talk. Like that, it is good. ऐसी बातें करना अच्छी बात है. To make them believe that we are prophet. वो हम प्रबोधक है, भविष्यवक्ता है, ऐसा वो मान ले, इसीलिए ऐसा कहना वो ठीक है. Every prophet, Abraham was prophet. Every prophet of Bible didn't say I am prophet. हर बाइबल के सब लोग भविष्यवक्ता थे. इब्राहिम भी भविष्यवक्ता था, लेकिन बाइबल के लोगों ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि मैं प्रबोधक हूँ, भविष्यवक्ता हूँ. They didn't. So, who they are? और वो कौन थे वो उन्होंने दिखावा नहीं किया. God opened their eyes. परमेश्वर ने लोगों की आंखें खोल दी. So when anyone receive, he is prophet. I should welcome him. तो जब भी कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के भविष्यवक्ता का स्वीकार करता है, उसका स्वागत करता है. As a prophet. उसे भविष्यवक्ता मानकर उसका स्वागत करता है. It is not like that knocking a door and asking, "Hello, can I come?" ये ऐसा नहीं है कि किसी का दरवाजा खटखटाना और पूछना कि क्या मैं तुम्हारे घर में आ सकता हूँ. And the door will open, the person will say, "Who you are?" और दरवाजा खुलेगा और व्यक्ति पूछेगा कि तुम कौन हो. I am prophet. Oh, मैं प्रबोधक हूँ, भविष्यवक्ता हूँ. Welcome me and get the reward. मेरा स्वागत कर ले और बदले में कुछ पा ले. No, Jesus said. यीशु ने कहा ऐसा नहीं. If the person get revelation, यदि व्यक्ति को प्रकटीकरण मिलता है. If the person get inspiration, यदि व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है. If a person get a knowledge that you are a prophet, और यदि वो व्यक्ति को ये ज्ञान मिलता है कि तुम भविष्यवक्ता हो. Jesus was welcome at Simon's home. यीशु को सिमोन के घर में उसका स्वागत किया गया. But he was confused that really Jesus is a prophet or not. लेकिन वो सिमोन गड़बड़ी में था कि सच में यीशु मसीह भविष्यवक्ता है या नहीं. He is really this is pastor or not. और ये सच में ये पासमान है या नहीं. If you are confused, you don't welcome. यदि आप गड़बड़ी में हो, उलझन में हो, तो फिर आप स्वागत नहीं करते. And you cannot receive any reward. और आपको उसका कोई बदला भी नहीं मिल सकता. Christ said, who really are my prophet? And if he welcomes you like that, मसीह ने कहा कि जो सच में मेरे भविष्यवक्ता होते हैं और वो भविष्यवक्ता है ऐसा मानकर जो कोई उसका स्वागत करता है,
आई नो इन माई स्पिरिट दैट यू आर प्रोफेट ऑफ क्राइस्ट. मैं मेरी आत्मा में जानता हूँ कि तुम मसीह के भविष्यवक्ता हो. I sense in my spirit that you are disciple of Jesus Christ. और मेरे आत्मा में मैं महसूस करता हूँ कि तुम मसीह के चेले हो. I sense that you are just person of Christ. और मैं ये महसूस करता हूँ कि तुम मसीह का वो धर्मी व्यक्ति हो. I welcome you. और मैं अब इसीलिए तुम्हारा स्वागत करता हूँ. Lord said, then he will be surely rewarded. और प्रभु ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो उसके बाद वो व्यक्ति को उसका बदला मिलेगा. What fruit? कौन से फल, कौन सा प्रतिफल? If he serve him, what reward will he get? यदि ऐसे प्रभु के लोगों का अगर वो सेवकाई करता है तो उसे कौन सा बदला मिलेगा? What benefit it he receive? और उसका फायदा, उसे क्या, कौन सा फायदा उसे मिलेगा, वो पाएगा? If he help the person of Christ, यदि वो मसीह के व्यक्ति को मदद करता है तो. Many time we are not sure. We but take it as stranger. बहुत बार हमें वो पता नहीं होता है लेकिन हम उनको अजनबी समझकर उनका स्वीकार करते हैं. I'm continuing because you are watching. मैं बोल ही रहा हूँ इसीलिए क्योंकि अब तक तुम देख रहे हो. You want what is the reward? क्योंकि आप ये जानना मानना चाहते हो कि बदला क्या है. Continue. Okay, तो सोचते रहो और बने रहो. Reward is whatever they say. Blessing upon you. और उसका बदला, प्रतिफल वो होता है कि प्रभु का वो व्यक्ति जो कुछ भी आपके लिए बोलेगा वो बदला होगा. If you count him as Christ prophet, यदि आप उसे मसीह का भविष्यवक्ता गिनो, समझो, and you sit before him, और उसके सामने यदि आप बैठो, you serve him, और उसको, उसे खाना दो, सेवकाई, and whatever word he speaks, और जो कुछ भी वचन या शब्द वो बोलेगा, you take it as God's word. आप उसे परमेश्वर का वचन समझ के लो. And as you receive word of prophet, और जैसे आप वो भविष्यवक्ता के वचन को आप स्वीकारते हो, it will be accomplished, और the promise will be fulfilled. तो वो जो वचन मिला है वो पूरा होगा. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. Many things the reward is different. और बहुत बार जो बदला है वो अलग होता है. Many people think what is reward. They think differently. बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जो बदला है वो कुछ, वो अलग रीति से सोचते हैं कि बदला कुछ अलग है. Many think that if I honor this Christ servant as prophet, वो बहुत सारी बातें सोचते हैं कि यदि मैं ये मसीह का, ये सेवक मसीह का है ऐसा समझ के उसका स्वागत, he is a prophet, यदि वो प्रबोधक है ऐसा मान के मैं स्वागत करूं, he is a prophet, I saw him, वो नबी है, भविष्यवक्ता है, मैंने देखा, I care this prophet, और मैंने उसकी संभाल रखी, आई नो वॉट ब्लेसिंग विल कम अपॉन मी, और मैं जानता हूं कि अब मेरे ऊपर कौन सा आशीर्वाद आएगा, आई विल बी ऑल्सो प्रोफेट, मैं भी भविष्यवक्ता बन जाऊंगा. पीपल थिंक दैट इफ आई वेलकम अ प्रोफेट आई विल बी अ प्रोफेट. लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि मैं भविष्यवक्ता का स्वागत करूं तो मैं भी भविष्यवक्ता बन जाऊंगा. बिकॉज दिस इज द रिजल्ट ऑफ प्रोफेट. क्योंकि यही भविष्यवक्ता का एक परिणाम होता है, फल होता है. आई एम फ्रूट ऑफ प्रोफेट, ही विल से, वो कहेगा कि मैं भविष्यवक्ता का फल हूं. पास्टर विल मेक पास्टर एंड प्रोफेट विल मेक प्रोफेट. पासबान पासबान बना देगा और भविष्यवक्ता भविष्यवक्ता बनाएगा. आई टू वांट टू बी जस्ट, आई विल वेलकम जस्ट एंड आई विल रिसीव द ग्रेस एंड आई विल टू बी जस्ट. मैं न्यायी बनना चाहता हूं तो मैं धर्मी व्यक्ति को बुलाऊंगा और मैं भी धर्मी बन जाऊंगा और मेरे ऊपर भी अनुग्रह हो जाएगा. वी आर रिवॉर्डेड नॉट अ ग्रेस. It is not a grace, we are rewarded. हमें जो बदला मिलता है वो कृपा नहीं होती है, वो कृपा नहीं है. It is reward. वो बदला होता है. Because we did to the prophet or this just or a disciple. क्योंकि हमने वो भविष्यवक्ता को या तो धर्मी व्यक्ति को या तो चेले के साथ कुछ किया, उसकी सेवकाई की उसके बदले में. Don't think that if I remain in prophet presence, I will be too prophet. ऐसा मत सोचो कि यदि मैं भविष्यवक्ता की उपस्थिति में रहूं तो मैं भी भविष्यवक्ता बन जाऊंगा. ऐसा मत सोचो. Don't think that if you serve a prophet, you will be rewarded as you as a gift. You too be a prophet. और ऐसा मत सोचो कि यदि आप भविष्यवक्ता की सेवकाई करते हो तो आपको भी भविष्यवक्ता बनने का दान मिलेगा. ऐसा नहीं है. But the truth is we receive as we accept them.
लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे हम उनका स्वीकार करते हैं उसी तरह हम पाते हैं। इफ वी रियली कॉल हिम प्रॉफेट, यदि हम सच में उसे भविष्यवक्ता कहते हैं, देन वी गोना लिसन देम, तो फिर हम उनको उनकी बातें सुनेंगे, देन वी विल ऑनर देम एज प्रॉफेट, और वो भविष्यवक्ता है ऐसा मान के उनका सम्मान करेंगे, देन वी विल सर्व हिम विद फियर, और डर के साथ हम उनकी सेवकाई करेंगे, and we will call him prophet, aur hum unhe bhavishyavakta bulayenge kahenge, and we will not be feel ashamed, aur uske liye hum sharminda bhi nahi honge, hame sharam nahi lagegi. If this is happening, then really we are counting him as a prophet. Yadi ye sari baatein hoti hai to fir sach mein hum us vyakti ko bhavishyavakta gin rahe hain, maan rahe hain. And if he really the It is true, then we will be rewarded. और यदि ये सच में ये सच होगा तो फिर उसका हमें बदला मिलेगा. The servant, whatever he speaks, तो will come to pass. जो सेवक है वो जो कुछ भी बोलेगा वो होगा, वो सफल होगा. We know in Old Testament there was Elijah. He went at Sarephath, where a widow was staying. हम जानते हैं पुराने नियम में एलिया प्रभु भविष्यवक्ता था, उसे सराफत एक शहर था, जगह थी, वहां पर विधवा के घर में भेजा गया. And this Elijah went there and stayed. और ये एलिया वहां पर गया और वहां पर रुका. And this lady was blessed. और ये जो विधवा औरत थी वो आशीषित हो गई. Because whatever this Elijah spoke, it came to pass. क्योंकि एलिया ने जो कुछ भी बोला वो सब कुछ हुआ. Because this widow welcomed Elijah as a servant. क्योंकि ये विधवा ने एलिया को सेवक मानकर उसका स्वीकार किया इसलिए. And gave him food because he was hungry. और वो भविष्यवक्ता भूखा था तो अब उसे खाना दिया इसलिए. We can't claim for other thing. हम कोई और बातों का दावा नहीं कर सकते. Whatever the servant speaks, we get the same blessing. सेवक जो कुछ भी बोलता है वो ही आशीर्वाद हमें मिलता है. So that is the result or that is the reward. तो वो ही उसका परिणाम होता है और वो ही उसका बदला होता है. So we should fear and serve. तो हमें भाई के साथ सेवकाई करनी चाहिए. Continue serving. और सेवकाई में बने रहना चाहिए. And if we are doubting. और यदि हम शक करते हैं. Then we will not be rewarded. तो फिर हमें कोई उसका बदला प्रतिफल नहीं मिलेगा. Whatever service we did. हमने जो कुछ भी सेवकाई की है. That all is in vain. तो वो सारी सेवकाई निरर्थक हो जाएगी, व्यर्थ मानी जाएगी. डोंट थिंक टू वेलकम एवरीवन. और ऐसा मत सोचो कि हर एक का स्वागत करने का मत सोचो. सो दैट वी विल बी ब्लेस, इसीलिए कि हमें आशीर्वाद मिल जाए. लॉर्ड सेड मैनी केम बिफोर मी केम, ये प्रभु ने कहा कि मेरे से पहले बहुत लोग आए. केम एंड दे रॉब्ड यू, वो आए और वो तुम्हें लूट के चले गए. यू वेलकम देम, तुमने उनका स्वागत किया था. यू आर गुड सर्विस सर, आप गिविंग गुड सर्विस, आप सेवा देने में बहुत अच्छे हो. बट यू डोंट नो हुम टू वेलकम एंड हुम टू सर्व, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इसका स्वागत करना चाहिए और किसकी सेवा करनी चाहिए. मैन टाइम वी क्लेम डूइंग आफ्टर डूइंग सर्विस वी क्लेम फॉर ब्लेसिंग, और ऐसी सेवकाई करने के बाद बहुत बार हम दावा करते हैं आशीर्वाद का दावा. वी शुड Understand what Christ said. हम और मसीह ने क्या कहा वो हमें समझ लेना चाहिए. How we receive a person. How we receive a person is important. वो व्यक्ति को हम क्या मान के उसका स्वीकार करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है. If really he is a prophet. यदि सच में वो भविष्यवक्ता है. Then whatever he speaks, we will surely listen. तो जो कुछ भी वो बोलता है वो हम सच में सुनेंगे. When Jesus went at Martha, Maryam, Lazarus home. जब यीशु मसीह मार्था मरियम और लाजर के घर गया. वी नो लाजर, वी डोंट रीड दैट लाजर वाज लिसनिंग. तो हम ये पढ़ते नहीं है कि लाजर सुन रहा था यीशु की बात. वी नो मैरी वाज सिटिंग एंड लिसनिंग. हम ये जानते हैं कि मरियम बैठकर सुन रही थी. मार्था वाज इन किचन, और मार्था जो थी वो वर्किंग इन किचन, वो रसोड़े में काम कर रही थी. Preparing food for these disciples and Jesus. वो यीशु के लिए और चेलों के लिए खाना बना रही थी. She welcomed Jesus, but she was
not listening him as a prophet saying. और उसने यीशु मसीह का स्वागत किया लेकिन वो प्रबोधक है ऐसा मान के वो उसकी बात सुन नहीं रही थी. If really Martha believed that Jesus is a prophet, यदि सच में मार्था ने विश्वास किया होता कि यीशु मसीह भविष्यवक्ता है, then she would sit at his feet. तो फिर वो यीशु के चरणों में बैठती. But when Lazarus was dead, Jesus went there. लेकिन जब लाजर मर गया तब यीशु वहां गया. And Martha said, Mary, Jesus is calling you. और मार्था ने कहा कि मरियम यीशु मसीह तुझे बुला रहा है. Not calling me. वो मुझे नहीं बुला रहा. Calling you. वो तुझे बुला रहा. And as Mary came near Jesus, Jesus wept. और जैसे मरियम यीशु मसीह यीशु के पास आई यीशु रोया. This is love. ये Press प्रेम God. है परमेश्वर की महिमा हो. Press God. परमेश्वर की महिमा हो. Whom we listen. जिसको हम सुनते हैं. And take him as a prophet or as a disciple. और उसे हम भविष्यवक्ता सम्मानते हैं स्वीकारते हैं या तो चेला करके स्वीकारते हैं. We are rewarded. तो फिर हमें बदला मिलता है. Press God. परमेश्वर की महिमा हो. So there is gift of prophecy those are not prophets. तो भविष्य वचन बोलने का दान भी है वो लेकिन वो प्रभु वो भविष्यवक्ता नहीं है. Everyone can prophesy. हर एक व्यक्ति भविष्य वचन कह सकता है. But all are not prophets. लेकिन हर कोई भविष्यवक्ता नहीं है. This is grace that people are inspired and lead. ये एक अनुग्रह है कि लोगों को प्रेरणा मिलती है और अगुवाही मिलती है. And they speak what Lord put in their mouth. और प्रभु जो उनके मुंह में रखता है वो बोलते हैं. Unless we don't rule as king, even if we are son of king. यदि हम राजा के बेटे हो लेकिन फिर भी यदि हम अपने आप को राजा मानकर अधिकार ना चलाए तो. If we don't sit at the throne. और वो सिंहासन पर यदि हम ना बैठे. We are not king. तो फिर हम राजा नहीं हैं. गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी इज डिफरेंट. भविष्य वचन बोलने का जो दान है वो अलग है. लॉर्ड सेड एट एंड टाइम आई विल पोर माय स्पिरिट. प्रभु ने कहा कि अंतिम दिनों में मैं मेरा आत्मा उंडेलूंगा. एंड योर चिल्ड्रन योर सन्स एंड डॉटर शैल प्रोफेसी. और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्य वचन बोलेंगे. दे विल गेट विजन. उनको दर्शन होंगे. So this is gift of prophecy and people welcome them as prophet. तो ये एक भविष्यवचन बोलने का दान है लेकिन लोग उन्हें भविष्यवक्ता समझकर उनका स्वीकार कर लेते हैं. All who are following Jesus are not disciples. और यीशु मसीह के पीछे चलने वाला हर कोई उसका चेला नहीं है. As Jesus said. जैसे यीशु ने कहा. Who don't leave everything and follow is not worthy. To count as my disciple. जो व्यक्ति सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे नहीं हो लेता वो मेरा चेला है ऐसा गिनने के योग्य नहीं है. We don't call him as a disciple. हम उसे as of same putting step in Lord. हम उसे प्रभु का चेला नहीं कहते जो प्रभु के कदम कदम में डोंट वॉक इन स्टेप ऑफ क्राइस्ट. जो मसीह के कदम में ना चलता हो. We saw our bad nature. हम हमारा बुरा स्वभाव दिखाते हैं. दिस इज नॉट डिसाइपलशिप और डिसाइपल नेचर. ये चेले का स्वभाव नहीं है. वी आर स्टिल नॉट वर्दी टू कॉल एज डिसाइपल्स. अब तक हमें चेला माना जाए ऐसे हम योग्य नहीं हैं. वी शुड बी डिसाइपल्स. हमें चेले बनना चाहिए. वी शुड बिकम प्रोफेट. और हमें भविष्यवक्ता बनना चाहिए. वी शुड से लॉर्ड Use me for your glory. और हमें कहना चाहिए कि प्रभु तेरी महिमा के लिए मेरा उपयोग कर. Send me where you want. और जहां तू चाहता है वहां मुझे भेज. So prophet are sent. तो जो भविष्यवक्ता होते हैं उन्हें भेजा जाता है. They don't go and say who is in house. वो जाकर ऐसा नहीं पूछते कि घर में कौन है. He knows where he's going. वो पहले से ही जानता होता है कि वो कहां जा रहा है. What he will find. और उसे क्या मिलेगा. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. So everything God revealed to his prophet. तो परमेश्वर उसके प्रभु नबी को सब कुछ प्रकट करता है. Amos 3 and verse 7. माफ करना अमोस की किताब उसका तीसरा अध्याय और सातवां वचन. It is said. वो यहाँ पर कहा गया है. प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा.
प्रेज गॉड, परमेश्वर की महिमा हो। इफ रियली द पर्सन इज अ प्रॉफेट, यदि सच में व्यक्ति भविष्यवक्ता होता है, Amos 3:7, आमोस की किताब 3:7, लॉर्ड विल डू नथिंग बट ही विल रिवील द सीक्रेट, परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा लेकिन वो सारे मर्मों को प्रकट करेगा, अनटू हिज सर्वेंट प्रॉफेट, उनके सेवक उनके दास भविष्यवक्ताओं को। प्रेज गॉड, परमेश्वर की महिमा हो। सो वी डोंट कॉल एवरीवन एज अ प्रॉफेट, तो हम हरेक को हर कोई को भविष्यवक्ता नहीं कहते। स्पिरिट कम्स एंड लीड एंड पीपल स्पीक, पर आत्मा आता है और अगुवाई करता है और लोग बोलते हैं। बट हु स्पीक्स गुड ऑफ फॉर आवर लाइफ वी कॉल देम प्रॉफेट, लेकिन जो हमारे जीवन के बारे में हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं उन्हें हम भविष्यवक्ता कहते हैं। एंड इफ एनीवन स्पीक एज जॉन द बैप्टिस्ट वी कॉल डोंट कॉल देम प्रॉफेट, और यदि कोई व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जैसे बोलता है तो हम उसे प्रबोधक नहीं मानते। जॉन वॉज नेवर इन्वाइटेड इन एनी हाउस, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कोई भी घर में कभी बुलाया नहीं गया था। दीस आर प्रोफेट, ये प्रबोधक भविष्यवक्ता ऐसे होते हैं। फ्यू पीपल नो हु गॉड सर्वेंट इज, बहुत कम लोग जानते हैं कि परमेश्वर के सेवक कौन है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। And meditate whatever today we heard. और आज हमने जो कुछ भी सुना है उसे उसको मनन करें। Let God word be sowed in us. और हमारे अंदर परमेश्वर का वचन बोया जाए। Unknowingly we welcome people. अनजाने में हम लोगों का स्वागत करते हैं। Many time the real पर्सन वी निग्लेक्ट, और बहुत बार जो सच्चा व्यक्ति होता है उसे हम अनदेखा कर देते हैं। एंड अ स्ट्रेंजर हु इज नॉट गॉड्स पर्सन वी ऑनर, और जो अजनबी जो परमेश्वर का व्यक्ति नहीं होता उसका हम सम्मान कर लेते हैं। वी शुड प्रे लॉर्ड ओपन माय आईज टू नो द ट्रुथ, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु सच्चाई जानने के लिए मेरी आंखें खोलो। वी शुड ऑनर एज क्राइस्ट सेड, और मसीह ने जैसे कहा उस तरह से हमें मान देना चाहिए। should confirm in our heart and should respect and honor and receive the word, हमारे वचन में हमें निश्चित करना चाहिए और फिर हमें उसे वेलकम हिम, उसे उसका स्वागत करके उसको सम्मान देना चाहिए। Unless Holy Spirit don't clear us, जब तक पवित्र आत्मा हमें ये स्पष्ट नहीं करता, we should not give honor, तब तक हमें सम्मान नहीं देना चाहिए। We should not give respect as prophet, और वो भविष्यवक्ता है ऐसा मान के उसे वो भविष्यवक्ता का मान नहीं देना चाहिए। We should not respect him as disciple of Christ, और वो मसीह का चेला है ऐसा मान उसे नहीं देना चाहिए। Bible says everything whatever you do you should check it, बाइबल कहता है कि जो कुछ भी तुम करो उसे पहले जांचो परखो। Don't इन्वाइट एंड बिलीव एवरी स्पिरिट, हर एक आत्मा को आप ना बुलाओ और हर एक आत्मा में विश्वास ना करो। बट चेक देम, लेकिन ट्राई देम, टेस्ट देम, लेकिन उनकी परीक्षा करो और उन्हें देखो। इफ रियली द स्पिरिट द पर्सन इज फ्रॉम क्राइस्ट और नॉट, यदि वो व्यक्ति सच में मसीह से है, मसीह की ओर से है या नहीं। एंड इफ वी गेट Confirmation, we should listen and honor. और यदि वो ऐसा होता है, ऐसी हमें निश्चितता मिले, तो हमें उसको सुनना चाहिए और उसे मान देना चाहिए. So that we get reward, blessing from the word. इसीलिए कि फिर हमें वचन से उसका बदला मिले और आशीर्वाद मिले. Father, thank you for all your grace. पिता साहब, आपके सारे अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद. Jesus Christ, thank you for your blessing word. यीशु मसीह, आपके आशीषित वचनों के लिए आपका धन्यवाद। Holy Spirit, thank you for making us clear. पवित्र आत्मा, ये बात हमें स्पष्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। Holy Spirit, give us more wisdom and understanding about this saying of Jesus Christ. पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने जो ये बातें बोली उसके बारे में आप हमें ज्यादा प्रकाश दो और ज्ञान दो और समझ दो। Lord, we don't want to be unaware. प्रभु, हम अनजाने में रहना नहीं चाहते। We want to continue serve you.
हम आपकी सेवकाई में बने रहना चाहते हैं। We want to welcome your people। हम आपके लोगों का स्वागत करना चाहते हैं। But before it, we want that you speak to us। लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ बात करो। As you have prepared your servant Cornelius so that he can welcome Peter। जैसे आपने आपके सेवक Cornelius को तैयार किया था ताकि Cornelius पत्रस का स्वागत कर सके। But Simon was not well prepared to call you as prophet Jesus। लेकिन सिमोन आप अच्छी तरह से उसे वो तैयार नहीं था कि वो यीशु मसीह आपको प्रबोधक माने। And you said, और आपने कहा, Simon, you are wrong। और आपने कहा कि सिमोन तू अजनब अनजाने में है, तू गलती में है। You don't know that who I am। तू ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। And you welcome me। और तूने मुझे नहीं जाने हुए भी तूने मेरा स्वागत किया। But the lady who is crying and weeping। लेकिन जो औरत रो रही है। You don't know her। तू उसे नहीं जानता है। She knows me and honors me। वो औरत मुझे जानती है और मेरा सम्मान करती है। And so she is crying। और इसीलिए वो मेरे पास रो रही है। She is repenting from her sin। वो अपने पापों से प्रायश्चित कर रही है। She is confessing in her heart before me। वो मेरे आगे अपने हृदय में कबूलात कर रही है, कबूल कर रही है। She is afraid of me। वो मेरे से डरती है। She knows me who I am। और वो जानती है कि मैं कौन हूँ। So Simon, you don't know me। तो सिमोन तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। I came, you but didn't give me water। मैं आया लेकिन तूने मुझे पानी नहीं दिया। But she anoint me। लेकिन वो औरत ने मेरा अभिषेक किया और तेल से मेरा अभिषेक किया। You didn't give me water to wash my feet। तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया। Simon, you will not be rewarded। सिमोन तुझे बदला नहीं मिलेगा। But this lady who washed my feet by her tears। लेकिन ये औरत जिसने मेरे पैर उसके अश्रुओं से धोया। I bless her। मैं उसे आशीष देता हूँ। Her sin, all sin, I've been forgiven। उसके सारे पाप माफ किए गए हैं। Lord, we want to know the truth। प्रभु हम सच्चाई जानना चाहते हैं। Lord, we want to welcome your people। प्रभु हम आपके लोगों का स्वागत करना Open चाहते हैं। Open our eyes so that we can know who is the pastor। हमारी आंखें खोल दो ताकि हम जान सके कि पासबान कौन है। Who is disciple of your? और आपका चेला कौन है? Who is right person? और धर्मी व्यक्ति, न्यायी व्यक्ति कौन है? Who is the real prophet? और सच्चा भविष्यवक्ता कौन है? Who are your chosen apostles? और आपके पसंद किए हुए प्रेषित कौन है? So that we can listen their voice। इसीलिए कि हम उनका आवाज सुन सके। So that we can welcome them। इसीलिए कि हम उनका स्वागत कर सके। So that we can receive their voice। इसीलिए कि हम उनका उनका मुंह का वचन पाए। We want reward of prophet। और हम भविष्यवक्ता का बदला पाना चाहते हैं। We want reward of just person। और हम धर्मी व्यक्ति का बदला पाना चाहते हैं। We want reward from your disciples। और आपके चेलों से हम बदला पाना चाहते हैं। Open our eyes। हमारी आंखें खोल दो। Give us understanding, Lord। हमें समझदारी दो प्रभु। So that we don't behave as Simon। तो इसीलिए कि हम सिमोन के जैसे बर्तन ना करें। Forgive our sin, Lord। हमारे पापों को माफ करो प्रभु। For We were unaware, and we honored and welcomed। क्योंकि हमने अनजाने में सम्मान दिया और स्वागत किया। Lord, we ask forgiveness। प्रभु उसके लिए हम माफी चाहते हैं। Father, forgive us in Jesus' name। पिता हमें यीशु के नाम में माफ करो। Amen। Amen। Let's pray together what Lord taught। आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना करें। Yes, our Father with that in heaven। आइए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। Shout with shout and say, Hallowed be thy name, pure be thy name, Lord। हम चिल्ला कर कह सकते हैं तेरा नाम पवित्र माना जाए प्रभु। Thy kingdom come। तेरा राज्य आए। Thy will be done। तेरी इच्छा पूरी हो। As it is in heaven, let be on earth। जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। Give us our daily bread। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो। Forgive our debts। हमारे अपराधों को क्षमा करो। As we forgive all our debtors। जैसे हमने हमारे अपराधों को क्षमा किया। And lead us not into temptation। और हमें परीक्षा में ना ला। But deliver us
फ्रॉम ऑल इविल, लेकिन हर बुराई से हमें बचा। फॉर थाइन इज किंगडम लॉर्ड, क्योंकि राज्य तेरा है प्रभु। थाइन इज पावर, पराक्रम तेरा है। थाइन इज ग्लोरी, महिमा तेरी है। फॉर एवर यू आर किंग, सदा के लिए आप राजा हो। रूल ओवर अस, हमारे ऊपर अधिकार चलाओ। जीसस नेम वी प्रे, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ब्लेस गॉड, परमेश्वर की महिमा हो। आमेन, आमेन। Oh, he does the cool.